on 28 September 2024. I am feeling the love. It's amazing. Get ready to behold the resplendent radiance of Mahira Khan as she graces the grand stage at Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena Wembley, London. Book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.axs.com/UK. वो तो मेरा बेटा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और आपकी बेटी इतनी मासूम नहीं है जितनी आपको नजर आती है। खुदा के लिए बस कर दें आप, मैं थक गई हूँ आपके इल्जाम सुन सुन के। अगर आपने बात करनी है तो जाके अपने बेटे से बात करें। एमल, तुम भी सुन लो और अंकल आप भी, अगर ये शादी हुई ना तो फिर तुम्हें घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। रखिए अपनी बेटी को अपने घर पे। शरियान ये क्या कह रहे हैं? शरियान मेरी बात तो सुने, रुके। देखा आप लोगों ने, ऐनी की वजह से अगर मेरा घर खराब हुआ ना तो बाबा मैं ऐनी को कभी माफ नहीं करूंगी। सुन ले आप। एमल भाभी, आपका घर बर्बाद नहीं होगा। मैं जानता हूँ शरियार को, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वो कभी आपको नहीं छोड़ सकता। तुम चुप करो। पहले ही बेऔलाद होने की वजह से मुझे ताने मिलते रहते हैं और अब तो मम्मी पक्का मुझे घर से निकाल देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हो रहा है? मेरी दोनों बेटियों के दरमियान इतनी बड़ी दरार, कब और कैसे आ गए? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सॉरी अंकल, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना? नहीं बेटा, तुम तो जायज तरीके से उसे अपनाना चाहते, उसकी खुशियां और उसका हक उसे दिलवाना चाहते। ये तो तुम्हारे घर वाले हैं जो ये सारे रखने डाल रहे हैं। खाम खान आप लोग लेना। जी जी लेते हैं। और कैसी हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? और भाई साहब आप कैसे? ठीक ठाक। और काम सब ठीक है आप? अरे ये मेरी बड़ी बाजी है फाखरा। बाजी मैंने आपको बताया था ना, आयमा के रिश्ते वाले ये आयमा का रिश्ता लेकर आए। जब मैंने तुम्हें मना किया था दुर्दाना, तो क्यों बुलाया इन्हें? बाजी मैं इन्हें मना नहीं कर सकती थी, मेरी मजबूरी थी, बेटी का मामला है। बाजी आप आए ना, बैठे ना। बाजी अस्सलाम वालेकुम। मेरा यकीन करें कि मैं आपको पूरी संजीदगी और खुलूस से अपनाना चाहता हूँ। काश काश ये बात मेरी फैमिली समझ जाती तो इतना तमाशा नहीं होता। मेरा यकीन करें,
मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा इतनी मुखालफत देखकर। मुखालफत अगर कोई कर रहा है ना तो वो तुम्हारी मम्मी है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। और जहां तक बात खुलूस की है तो किसी इंसान के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं कि जिससे किसी दूसरे इंसान का खुलूस नापा जाए। वो तो उसके बरतने के बाद ही पता चलता। देखे रानी, मम्मी ने आपसे जो भी बदतमीजी की उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूं। खैर, आपने कुछ शराइत बताई थी, मुझे बताया, मैं सुन रहा हूं। शरायत थी, अगर तुम्हारी फैमिली का रवैया देखने के बाद मैं अपना फैसला बदल चुकी हूं। क्या मतलब? आप क्या मुझसे शादी नहीं करेंगी? नहीं। प्लीज अपने फैसले पे नजरसानी करें, उन बातों के बारे में मत सोचें, मेरे बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। क्या हो गया इरफान? क्यों एक ही बात की रट लगाई हुई है तुमने? एनी, काश मैं अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्लेन कर सकता। आप बहुत गलत फैसला कर रही हैं। तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? तुम्हारी मम्मी को खुद से खफा कर दूं, उनसे उनकी औलादों को छीन लूं। पहले ही उनका एक बेटा उनको छोड़ के जा चुका है, वो भी दुनिया से, और दूसरी औलाद को मैं जीते जी छीन लूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। यानी आप उनके बारे में क्यों सोच रही हैं? वो मेरी माँ है, मुझसे दूर नहीं रह सकती या मुझसे खफा नहीं रह सकती। मेरा यकीन माने, मैं उन्हें मना लूंगा। अच्छा, और शहरयार और एमल, उनका क्या होगा? शहरयार भाई और एमल अपनी जिंदगी में मगन है। अब मैं जानता हूँ कि शहरयार भाई एमल भाभी से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, उससे वो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं। दुर्दाना खाला और आयमा, उनका क्या? यानी प्लीज, उनके बारे में कौन सोचता है? आपको सबकी फिक्र है सिवाय मेरी। अब आप ये नहीं सोच रही कि आपके फैसले से मुझ पे क्या गुजर रही है। अब तो आपकी फैमिली भी राजी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें अपनी जिंदगी को इतनी मुश्किल में डालने का शौक क्यों है? हमारा रिश्ता तकलीफ में भी पड़ सकता है, तुम्हें पता है ये बात, अंदाजा इस बात का। मैं सह लूंगा, आपकी वजह से मेरी जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी ये मैं आपको शादी के बाद बताऊंगा। लेकिन प्लीज अपना फैसला बदलें। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें बात ही करनी है ना तो जाकर तुम बाबा से खुद ही बात कर लो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बात नहीं करने वाली। जिस तरह हम दोनों को लेकर हमारे रिश्ते पे तोहमत लगाई गई है, मैं बात नहीं कर सकती। तुम्हें करनी है तो तुम कर। थैंक यू सो मच एनी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको जिंदगी भर अपने इस फैसले पे कभी मायूस नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे यकीन है तुम पर। लेकिन ये सब होगा कैसे? यानी देखें, आपकी अम्मी और आपके पापा मेरे भी अम्मी और पापा हैं, और आप खुद सोचें, अगर उनका साथ हमारे साथ है तो हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। एक बात और, ये निकाह बहुत सादगी से होगा, मुझे किसी भी किस्म का कोई दिखावा नहीं चाहिए इस बार। मुझे मंजूर है। मैं चाहती हूं कि एक बार तुम सोच लो अफान, क्योंकि ये तुम्हारी पहली शादी है, मेरी नहीं। यानी मेरी सोच सिर्फ आप पे शुरू होकर आप पे खत्म हो जाती है। आपका साथ मिल जाएगा मेरे लिए यही बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उमर, क्या तुम उसे दिल से कबूल कर पाओगे? वो मेरा भतीजा है यानी, मेरे बड़े भाई की पहचान, मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा है उमर।
आखिरी और बात, निकाह यहां इस घर में होगा। मंजूर है। अब खा पी तो लिया है, बेटी को भी बुला लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आयमा को लाती हूँ। आयमा, जितना नाटक मैंने करना था कर लिया, अब यहां से आगे तुमने संभालना। हाँ अम्मी, मैं समझ गई। खाला आ गई? हाँ हाँ आ गई है, लग रहा है बहुत गुस्से में भरी बैठी है। हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही करना है, समझ आई? यही मौका है, इसे पूरा पूरा अवेल करना है। ओके, मैं बुला रही। आप फिक्र ही मत करें अम्मी, आप देखिएगा कैसे मैं मौके से फायदा उठाती हूँ। अब आप लोग भी जाइए। दरअसल ये हमारे घर का मामला है, हम आपको फिर मुनासिब वक्त देखकर दावत देंगे। मेरी बहन ने कुछ जल्दी कर दी है, हमारे घर के कुछ मामला आते हैं, उन्हें निपटाएंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलो। बाजी जल्दी आए, बाजी बाजी जल्दी आए। हाय अल्लाह, आय माँ। हाय बाजी, देखिए हाय क्या हो गया बेटा, मेरी बच्ची। आय माँ, क्या हुआ इसे, ये बेहोश कैसे हो गई? बाजी देखिए मेरी बच्ची को क्या हो गया। बाजी बाजी, मैं कमरे में आई तो बेहोश पड़ी हुई थी, अल्लाह मैं क्या करूं अब। बाजी बाजी अपने रिश्ते पे ना राजी नहीं है, इसने इसने अफान के गम में कुछ खा तो नहीं लिया होगा बाजी? अरे मुंह से कभी अच्छी बात भी निकाला करो, अगर इसने कुछ खाया होता ना तो मुंह से झाग निकल रही होती। मुझे लगता है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो गई, तुम उठाओ इसे, उठाओ। हाँ आयमा, आयमा आयमा उठो बेटा, आयमा। एनी नेका के लिए मान गई है, आप उससे पूछ लीजिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इस लड़की ने कम से कम अपने बारे में सोचा तो। बेटा, एनी ने तुम्हें अपनी शराइत से आगाह कर दिया है ना? जी अंकल, एनी चाहती है कि नेका बहुत सादगी से हो। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं आने वाले जुम्मे की शाम में आके नेका करना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने घर वालों को मना लूं, लेकिन अगर वो राजी ना हुए तो मैं अपने दोस्तों के साथ आके निकाह कर लूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी। हमें कोई एतराज नहीं है। चले अंकल, अब मैं चलता हूं, अपना रहने का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।
डॉक्टर मेरी बच्ची को क्या हो गया है, ये होश में क्यों नहीं आ रही? टेंशन की कोई बात नहीं है, शायद ये स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर तक होश में आ जाएंगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। माँ मेरी बच्ची क्या हो गया? फान, मुझे छोड़ के मत जाओ। फान प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। बेटा हम सब यहीं पर तो हैं, देखो हम यहीं हैं। क्या कह रही हो बेटा? बाजी इसकी जुबान पे तो सिर्फ अफान का नाम है, मुझे बताए मैं क्या करूं? मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अफान से, वरना मैं मर जाऊंगी। मर जाने दे मुझे। बेटा बेटा फान तुम्हारे नसीब में नहीं है, भूल जाओ उसे, वो एनी का हो चुका है। दुर्दाना तुम दो मिनट के लिए चुप रह सकती हो? आयमा, बेटा फान की शादी तुमसे होगी और इसी जुमे को होगी। आप सच कह रही हैं खाला? हाँ मैं सच कह रही हूँ, अफान की शादी तुमसे ही होगी। और दुर्दाना जी, इसका ख्याल रखो। जी बाजी। मैं आती हूँ। मुबारक हो, हमारा प्लान कामयाब हो गया। अल्लाह का शुक्र है, देखा कैसे फाखरा बाजी फंस गई हमारी चाल में। लेकिन अम्मी क्या आफान मान जाएगा? कैसे नहीं मानेगा, बाजी जिस मूड में यहाँ से गई है ना, उसके सर पे पैर रख के भी मनवाएंगी, देख लेना। ये मेरा बात नहीं। मेरी बच्ची। मैंने तुम सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि इस जुमे को अफान और आयमा का निकाह है। हॉल की बुकिंग मैंने करवा ली है। मम्मी आप क्या बात कर रही हैं? अफान मान जाएगा? उसे मानना होगा, मुझे अब उसकी हाँ या ना की कोई परवाह नहीं, ये शादी होगी और जरूर होगी। शादी के सारे इंतजामात तुम संभालोगे शहरयार, और मेहमान सिर्फ खास खास आएंगे। अफान घर आए तो मैं खुद बात करूंगी उससे। तो लौटती निकल आई। बाजी आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। और हाँ तुम काजी साहब से भी बात कर लेना, और लड़कियों तुम लोग कल किसी सैलून से ना अर्जेंट बुकिंग ले लेना, और साथ ही डिजाइनर पर जाकर कोई जोड़े भी खरीद लेना। बाजी अगर सैलून में अपॉइंटमेंट ना भी मिला तो मैं मेकअप वाली को घर बुलवा लूंगी, सब उसी से मेकअप करवा लेंगे। लेकिन मैं सैलून से ही तैयार हूँ। हाँ हाँ भाई,
तुम सैलून से ही तैयार हो ना, बाकी इंतजामात मैं खुद करवा लूंगी। जी खाला। अभी आते हैं तो बात कर लेते हैं। अफान, तुम्हें बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूँ। वो मम्मी ने तुम्हारा निकाह आयमा से तय कर दिया है। क्या मतलब कि तय कर दिया है? मैं आयमा से शादी क्यों करूंगा? मैं एनी से निकाह करने वाला हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अफान? वही जो आपने सुना। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम उस बदतमीज बदतहसीब लड़की से निकाह करना चाहते हो जिसकी निगाहें हमारी जायदाद पर, हमारी दौलत पर है? तुम मेरा फैसला मानने से इनकार करोगे? मुझ पर अपना फैसला मुसल्लत करोगे तुम? मम्मी, अगर एनी को मैं निकाह करके अपना नाम देना चाहता हूँ, इज्जत देना चाहता हूँ, तो इसमें हर्जी क्या है? और मम्मी आप अच्छे से जानती हैं कि मेरी खुशी में अगर आप शामिल नहीं होंगी तो मेरी खुशी अधूरी है। इसीलिए प्लीज मेरी इस खुशी में आप शामिल। खबरदार, तुम उससे निकाह नहीं करोगे। तुम्हारी शादी आयमा से होगी, वो भी इसी जुम्मे को। मैं दुर्दाना को जबान दे चुकी हूँ। हरगिज नहीं मम्मी, आप अपनी मर्जी मुझ पे जबरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकती। अफान, तुम उस घटिया लड़की के लिए अपनी माँ की जबान का भी लिहाज नहीं रखोगे? अफान देखो, अगर तुम आयमा से शादी कर लोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुमने आयमा से शादी क्यों नहीं की थी? कर लेते ना। अफान बहस मत करो वरना। तुम तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। और अगर इतने ही सच्चे हो मम्मी के साथ, तो मम्मी को बता क्यों नहीं देते कि तुमने क्या क्या इमल भाभी के नाम कर दिया है? अफान जस्ट शराब, बकवास बंद करो, मुंह बंद रखो अपना। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता ये अफान क्या कह रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। मम्मी ये झूठ बोल रहा है, हमें आपस में लड़वाना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं। इस बात का फैसला तो बाद में होगा, अभी तुम इसे अफान को समझा दो। मैं फैसला कर चुकी हूँ, अफान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय आयमा से निकाह करने के। हाँ तो भाई ठीक है, अगर सब मेहमानों के सामने तुम लोग को जलील होने का बहुत शौक है तो ये शौक भी पूरा कर लो। शहरयार, ये सब क्या था? आपने मुझे पहले क्यों? बाद में डिस्कस करेंगे, चलो। अरे अफान भाई, आप तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं कि हम आपकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। आप भी चले ना हमारे साथ। नहीं नहीं, मेरे दोस्त कुछ इंतजार कर रहे हैं, अभी मैं बिजी हूँ। वैसे अफान भाई एक बात तो बताएं, आप ये शादी करेंगे तो सही ना? किसी को घर में यकीन ही नहीं आ रहा। फरिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये भी कोई बात हुई? अफान प्लीज ऐसी वैसी कोई बेवकूफी मत करना। एनी तो इतनी समझदार नहीं है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना।
प्लीज आयमा को कबूल कर लेना। तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे देर हो रही है, इंशाल्लाह रात में मुलाकात होती है। अफान भाई बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और चिल नहीं लग रहे, वैसे तो हर छोटी से छोटी बात पे फौरन से चिढ़ जाते हैं। हाँ कहते तुम ठीक ही रही हो, मुझे भी काफी चेंज रवैया लगा अफान का। भाभी मैं आपको बता रही हूँ कोई गड़बड़ जरूर है, वरना अफान भाई आयमा से शादी के लिए शॉपिंग करने यहाँ आएंगे, मेरा दिल तो नहीं मानता। हो सकता है फरिया के अफान ने खुद को समझा लिया हो इस शादी के लिए। चले आंसू नहीं देख सकता, इस बात का तुम्हें पता है और तुमने मुझसे वादा किया तो तुमने आगे बढ़ना है अपने लिए, उम्र के लिए। हमारी जिंदगी में अब गम और दुख की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ खुशियां होनी चाहिए। एनी, एनी, तुम्हारे बाबा आ रहे हैं गवाहों के साथ तुम्हारी रजामंदी लेने के लिए। यानी ये क्या तुम रो रही हो?
नहीं बेटा, तुम्हारे रोने के दिन चले गए, अब तुम्हारी जिंदगी में एक मुखलिस और हमदर्द शख्स आ रहा है। ऐसे में तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना बेटा। रोने बच्चे, और उमर, उमर की फिक्र मत करो, मैं हूं ना, और अभी वो फौजिया के पास है, तुम फिक्र मत करो। जी मम्मी, आपने बुलाया? हाँ, पता करो अफान अभी तक तैयार होकर पहुंचा क्यों नहीं। आ रहा होगा मम्मी, थोड़ी देर तक आ जाए। मुझे डर है कोई गड़बड़ ना कर दे। तुम ध्यान रखो, फोन करो, पता करो उसका। मम्मी, बार बार उससे पूछेंगे तो वो चिढ़ जाएगा, आप जानती हैं उसे। और मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि वो आयमा से शादी। यकीन तो मुझे भी नहीं था कि तुम कुछ प्रॉपर्टी एमल के नाम कर दोगे। पता करवा लिया मैंने, तुम सबके सब निकम्मे हो, सब चोरों के गुलाम बन चुके हो। एनीवेज, ये बात तो मैं बाद में तफसील से करूंगी, अभी तुम उसे कॉल करो और उसे कहो फौरन पहुंचे। क्या हो? फोन नहीं उठा रहा मम्मी। मैंने आपसे कहा भी था, कि जोर जबरदस्ती उससे रिश्ता ना करवाएं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? मैं उस पर जुल्म कर रही हूँ मम्मी? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम उसे थोड़ा सा टाइम दे देते, थोड़ा प्यार मोहब्बत से समझाते तो शायद वो राजी हो जाता खुशी खुशी। डील दे देकर तो यहाँ तक पहुंची है बात। उसे उसे हर हाल में आज आयमा से निकाह करना होगा। उसे फोन करो और उससे बोलो फौरन पहुंचे, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा वो। हाँ अफान, कहाँ हो तुम यार? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, मम्मी भी। हाँ हाँ शरियार, मैं आ रहा हूँ, मैं आकर बात करता हूँ। मेरे मोबाइल की वैसी बैटरी लो है, मोबाइल बंद हो जाएगा। अफान तुम हो कहाँ यार? मम्मी परेशान हो रही है। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। अफान क्या हुआ, क्या क्या कह रहे हैं वो, कहाँ है? आपके सामने पूछा है मैंने और उसने मेरी बात टाल दी, मुझे बताया ही नहीं। बस अब इतना कह रहा है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इंतजार तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। ये लड़का भी ना। माशाल्लाह, कैसी लग रही अम्मी मैं? एकदम मेरी शहजादी की तरह। शहजादी मत कहें, अब तो मैं इस घर की मलका बनने वाली हूँ। बिल्कुल ठीक कहा मेरी जान। एक बात अपने दिमाग के हर कोने में बिठा लो, अफान को ऐसे अपनी मुट्ठी में रखना कि तुम कहो दिन तो वो कहे दिन, तुम कहो रात तो वो कहे रात। आप बस देखती जाएं, सबसे पहले तो इस घर से मैं एमल को दफा करूंगी, और फिर रहा सवाल एनी का, वो तो है ही बेवा,
उसको तो ऐसा दफा करूंगी ना इस घर से कि याद रखेगी। हाँ बाकी रह गई तुम्हारी खाला, उसका तो ऐसा इलाज करना है कि उसकी सारी अकड़ निकल जाए। बड़ी आई इस घर की मलका, उसे हटा के इस घर पे मैं राज करूंगी। बड़ी तकलीफें देखी हैं तुम्हारी माँ ने इस घर में। बस बहुत हो गया मैं, अब वक्त बदलने वाला है। हाय मैं सर के जाऊं अपनी बेटी के, कितनी प्यारी लग रही है। क्या करिए, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, इतनी मुश्किल से सही करवा। नहीं होता खराब, बिल्कुल नहीं होगा खराब, फिक्र मत करो। अरे ज़रीन तुम कहाँ रह गई थी? अरे वो समीना भाभी को ना खुदाफिस कहने गई थी, दरवाजे पे थी मैं। अच्छा अंकल हमें भी जा सकते हैं, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। बेटा एनी के साथ निकाह करके जो तुमने हम पर एहसान किया है उसका बदला हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। प्लीज अंकल ऐसी बातें मत करें, मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये निकाह मैंने अपनी खुशी से और अपनी ख्वाहिश से किया है। बस आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हमारे आने वाली जिंदगी में हमें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और अगर कोई मुश्किल आए भी तो हम बहुत मजबूती के साथ उसका सामना करें।